पट्टा सा हेड शॉट मारेंगे, पूरा पट्टा सा हेड शॉट। हेलो गाइज, तो कैसे हो? तो गाइज, मेरे पास है आज रियलमी C11 और इसका आज हम गेमिंग रिव्यू करने वाले। क्या रिव्यू? गेमिंग रिव्यू। अगर आप 7 से 7.5 7 हज़ार के अंदर जो मोबाइल खरीदते हो उसके अंदर गेमिंग किस तरह से परफॉर्मेंस करता है, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। छोटा सा वीडियो है, आप देख लीजिए, तो फिर आपका और किसी भी यूट्यूबर का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना बात पक्का बोलता हूँ, क्योंकि मैं एक गेमर हूँ और एक टेक्नीशियन हूँ। मोबाइल टेक्नीशियन और एक गेमर होने के नाते मैं एक दावा कर सकता हूँ कि अगर आप एक वीडियो मेरा ये देख लेते हो तो दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रियलमी C11 का, तो इसके अंदर है मीडियाटेक का G35 प्रोसेसर, 2 GB रैम और 32 GB का फ़ोन मेमोरी, ठीक है। और मैं इसके अभी गेमिंग टेस्ट करने वाला हूँ। अगर आप बोलेंगे कि भाई इसका तू बेंचमार्क नहीं किया, वो नहीं, भाई वो सब बोलने की बातें हैं, लेकिन मैं आपको रियलिटी दिखाता हूँ, ठीक है। बेंचमार्क से कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। और अगर आप बोलेंगे भाई हीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो गाइस देखो, नया नया जो भी मोबाइल आप ले मतलब ख़रीदोगे वो गेम खेलने पर हीट होगा ही होगा। तो मैं बहुत टाइम पहले देखा, करीबन 20 सेकंड पहले गेम को ऑन किया था और अब जाके गेम ऑन हुआ है। तो वीडियो पसंद आया ना तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटा प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो अगर कोई रियलमी C11 फ़ोन खरीद रहा है। तो हम इसको 3 तरह से डिवाइड करेंगे। एक है इसका ग्राफिक्स कार्ड, मतलब ग्राफिक्स कार्ड नहीं मतलब इसका ग्राफिक्स, दूसरा इसका हीटिंग और तीसरा है इसका क्वालिटी, परफॉर्मेंस किस तरह से दे रहा है, हैंग हो रहा है, लैग हो रहा है, हाँ किस तरह से परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले हम सेटिंग में जाते हैं आपको सेटिंग दिखाने के लिए। सेंसिविटी सेटिंग, डिस्प्ले, एरा डिस्प्ले, इसमें अल्ट्रा करेंगे, हाई करेंगे, हाई पेस ऑन करेंगे, शैडो भी, और ये तो ऑटो स्केल सब कुछ हमने ऑन कर दिया होगा, ठीक है। इसके बाद बैक करेंगे, तो अभी ये चल रहा है पूरा फुल सेटिंग में। तो हमने स्टार्ट कर दिया होगा, चलो देखते क्या होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल में बने रहो। बस 5 मिनट का वीडियो अगर देख लेते हो तो दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना वादा कर सकता हूँ। देखो गेम स्टार्ट हो गया, हम लोग पहुँचे हैं 29 सेकंड में। साउंड क्वालिटी की बात करें तो उतनी बुरा नहीं है, बहुत ही प्यारा मोबाइल है गाइस, देखने में भी और हाथ में पकड़ने में भी आपको बहुत अच्छा कंफर्टेबल फील होगा। तो यहाँ पर मैंने शैडो सब कुछ ऑन कर दिया हूँ, तो बंदे ने मुझे फ्रीज कर दिया, कोई बात नहीं। चलो साउंड बढ़िया, यहाँ से धीमी सी थोड़ा सा लैग होना, थोड़ा सा लैग हो रहा है। और ग्राफिक्स क्वालिटी की अगर हम बात करें तो मेरे जैसा आईफोन का तो जैसा ग्राफिक्स तो नहीं मिलेगा, ये तो सिंपल सी बात है। तो थोड़ा सा देखते, मुझे उतना खास भी नहीं लगा और उतना अच्छा भी, मतलब उतना बुरा भी नहीं है, उतना खास भी नहीं है और उतना बुरा भी नहीं है गाइस। लैग हैंग तो कुछ इशू नहीं दिख रहा है, बस ग्राफिक्स का थोड़ा उतना अच्छा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस को इसको फुल करने की कोशिश करूँगा। इस तरह का परफॉर्मेंस आ रहा है, मतलब ग्राफिक्स क्वालिटी थोड़ा बहुत ठीक है, शैडो आपको देखने को नहीं मिलेगा गाइस इसके अंदर, आप शैडो ऑन करने पर भी। यहाँ पर तो बॉट बंदा था क्योंकि एक नॉर्मल सा अकाउंट है गाइस, आप देख ही पा रहे हो। तो चलो और 2 दिन बंदे को देखते हैं और मानने की कोशिश करेंगे। और परफॉर्मेंस में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है गाइस, पट्टा सा हेड शॉट इसको बोलते हैं।
बॉट था ना बंदा, क्या मारेगा वो मुझे। चलो और दो तीन बंदे को मारते और देखते, थोड़ा सा मूवमेंट हिला के देखते इसका सेंसिविटी थोड़ा। देखो सेंसिविटी की जगह जहाँ पर हम दिखाते हैं यहाँ पर देखो, एक जो वो चीज़ है उसको हटा दिया, क्योंकि हमने नॉच सेटिंग नहीं किया था, हमें नॉच वाला सेटिंग कर लेना चाहिए था। इसको भी हम मारेंगे पूरा पट्टा सा हेडशॉट, एक ही गोली में काम तमाम हो जाना चाहिए, समझ रहे हो ना गाइस। तो चलो और दो तीन बंदे को मारते गाइस। गाइस जो भी देख लो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो भी ये फ़ोन ख़रीदना चाहता है उसको परफॉर्मेंस दिखाओ गाइस। अगर इस तरह से घुमाते तो ये आपका जो सीन है वो आ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो मैं इसका सेंसिविटी थोड़ा सा हाई कर देता हूँ, इसको फुल करना पड़ता। हाँ आप जाके काम बनी बिल्कुल। तो गाइस ये रहा परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस की हम बात कर लेते हैं। ग्राफिक्स मुझे 7,500 या 7,000 के अंदर बहुत बढ़िया लगा। गेमिंग परफॉर्मेंस भी 7,500 या 7,500 के अंदर जो गेमिंग परफॉर्मेंस ये दे रहा है फुल अल्ट्रा और शैडो ऑन करके हाई एफपीएस में, ये भी बहुत सही है, आप खरीद सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरा जो चीज़ हीटिंग, हीटिंग का इशू हमेशा हर फोन में होता ही है, इसका कुछ इलाज नहीं है गाइस। इसका इलाज मतलब आपको फ़ैन लगाना पड़ेगा या दूसरा कुछ चीज़ें करना पड़ेगा या फिर आईफोन लेना, आईफोन में भी हीटिंग होता है गाइस, इतना ऐसा बात नहीं है कि आईफोन में हीटिंग नहीं होता है। तो बहुत बढ़िया पट्टा सा हेडफोन था गाइस। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, या चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटा प्रेस करो गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।